नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जन की बात देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ काविंद्र चौहान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी काजोल नारायण। कल आज 24 मई है और कल था 23 मई, वर्ल्ड रेसलिंग डे था। और दुर्भाग्य की बात है कि इसी दिन हमारे देश का एक जाना माना पहलवान गिरफ्तार किया गया। किस मामले में? मर्डर का आरोप लगा, और मर्डर का आरोप भी तब लगा है काजोल कि जिस दिन वर्ल्ड रेसलिंग डे हो, लोग उनको देखते हो, उनसे सीखते हो और जानने की कोशिश करते हो कि क्या कुछ वो बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन ऐसे ही दिन जब एक बड़ा पहलवान गिरफ्तार होता है तो आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो याद रखेंगी कि एक पहलवान के रूप में शायद ना रख सके उन्हें, लेकिन भगोड़े के रूप में तो ज़रूर याद रखेंगी। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल काविंद्र, क्योंकि उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना दी देश के सामने या दुनिया के सामने कि जो प्रेरणा उनसे ले रहे थे वो कहीं ना कहीं अपने कदम जो है वो पीछे खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए, एक तो पहले गलती की, उसके बाद उस गलती को छिपाया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर वो शिकन नजर नहीं आई है। अपने ही साथियों के साथ लगातार उनका विवाद रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। लंदन ओलंपिक्स के बाद सभी साथियों से उनका विवाद रहा। 2016 में रियो ओलंपिक्स 10 दिन पहले ही नरसिंह यादव को डोपिंग में फंसाने का आरोप उन पर लगा, हालांकि उससे वो बच गए। फिर 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रायल को लेकर पहलवान प्रवीण कुमार के साथ मारपीट का आरोप भी सुशील कुमार पर लग चुका है, इसमें भी वो बचते हुए नजर आए। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल में पहलवान जितेंद्र की आंख पर जानबूझ कर मारने का आरोप लगा है। इन तीनों आरोपों से तो काविंद्र बच गए, लेकिन आखिर में जब सागर धनखड़ की मौत हुई से वो बच नहीं पाए हैं। और ये कानून है कि कानून का सिकंजा उन पर इस तरह कस चुका है कि अब वो निकलते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करने की उन्होंने कोशिश की, चाहे वो वाईफाई का इस्तेमाल करना हो, चाहे अपना नंबर इस्तेमाल ना करना हो, चाहे वो एक लड़की से स्कूटी लेना ना हो। हालांकि उस लड़की को लेकर अभी खुलासा नहीं हो पाया है। सुशील कुमार से भी कह रहे हैं कि उस लड़की का इस केस से लेने देना कोई नहीं है, मैंने सिर्फ उससे स्कूटी ली थी। लेकिन बाद में पता चलता है कि जहां वो भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई लड़की है, मतलब स्पोर्ट्स से यानी कि खेल जगत से ही है वो भी, तो ऐसे में लिंक करके तो बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं। लेकिन इससे एक चीज हमें समझ में आती है कि भले हम सातवें आसमान पर पहुंच जाए, मेहनत करके बुलंदियों तक पहुंच जाए, लेकिन उस कामयाबी को संभालना बेहद जरूरी है। अगर आप उस समय अपने आप को नहीं संभाल पाते, उस कामयाबी को उस इज्जत को नहीं संभाल पाते, तो शायद आपका वहां तक जाना या वहां से लोगों के लिए प्रेरणा बनना एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर सामने आ जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए काविंद्र, अभी की मैं बात करूं, इस वक्त देश में खेल जगत के प्रति ना लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं। हम जैसे युवा, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, पहलवानी में बहुत लोग आगे जा रहे हैं और बहुत अच्छा नाम भी कमा रहे हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, रियो ओलंपिक्स हो, तमाम ऐसे चैंपियनशिप जो होती है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं में से ऐसा कोई व्यक्ति निकल जाए जिसके ऊपर सीधे सीधे मर्डर का आरोप लग जाए, वो भी अपने ही साथी का, वो भी सिर्फ महज किराए के पैसों को लेकर, लेकिन इसका जो लिंक है ना काविंद्र, वो बहुत जगह जोड़े जा रहे हैं। सुरेंद्र भाटी से उनका नाम जुड़ा हुआ है, यूपी का कुख्यात सुरेंद्र भाटी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि विवादों से नाता तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन हाँ, कामयाबी में चीज़ें कुछ छिपती हुई ज़रूर नज़र आई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप गलत हैं तो एक ना एक दिन आपका पर्दाफाश ज़रूर होता है, और शायद वो कल हुआ है। जी बिल्कुल, हमारी हिंदी फिल्मों भी यही दिखाया जाता है कि आखिर में विलेन जो है कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में गिरफ्तार हो ही जाता है या फिर आखिर में जेल की सलाखों के पीछे चला ही जाता है। बाकी सुशील कुमार की हम बात करें तो मिट्टी से जो कुछ कमाया था ना उन्होंने, काजोल, वो सब कुछ अंत में मिट्टी में ही मिला दिया। हम आज के मुद्दे में ये चीज साफ कर दें पहले कि हम किसी तरीके का उन पर अपराध सिद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी आरोपी हैं। लेकिन एक चीज हम कहना चाहते हैं कि वो उनको भागना नहीं चाहिए था। उनको इतना लंबा जो भागे हैं उसके बाद क्या होता है कि एक भगोड़े का जो एक ट्रेडमार्क होता है, एक फ्यूजिटिव की जो बात की जाती है वो उनके ऊपर लग जाता है। 18 दिन से आप फरार रहेंगे तो फिर यही होगा, और आप नहीं सहयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत जाने माने चेहरे थे और पहलवानों के बीच बड़ा नाम थे, रोल मॉडल थे। क्योंकि रोल मॉडल क्या होता है, उसका रोल खत्म नहीं होता है, वो तो हमेशा के लिए रोल मॉडल रहता है। लेकिन ऐसे में पहलवान सुशील कुमार ने जो कुछ किया वो अभी तक किस तरह लेंगल में जाता है, आगे वो अपराध सिद्ध होता है नहीं होता है वो एक अलग मसला है। उन्होंने मर्डर किया है नहीं किया है वो भी एक अलग मसला है, लेकिन कोई आरोप उन पर लगा, उनको सामने आकर इस आरोप का सामना करना चाहिए था, सामने आकर बताना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं किया।
तब अगर उन्होंने कोई काम किया भी होता है तो एक तरफ से जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो भी समझते हैं, उनकी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग कर उन्होंने सब मटिया मेट कर दिया, क्योंकि जो वो इतने लंबे अंतराल तक जो भागे रहे, इसके बाद रोहिणी कोर्ट में जो उनके वकील ने जो कुछ उनके पक्ष में बोलने की कोशिश की, अंतरिम जमानत लेने की कोशिश की 18 मई को, जो कुछ हुआ उसके बाद से एक चीज तो साफ नजर आती है कि सुशील कुमार ने कुछ तो गड़बड़ कर दी, और वो गड़बड़ तो अब हो चुकी है। अब वो जेल जाते हैं, आरोप सिद्ध होता है, सजा मिलती है, क्या कुछ होता है ये फ्यूचर का मसला है, लेकिन अभी तक जितना कुछ उन्होंने जीवन में कमाया था वो सब मटिया मेट हो चुका है। देखिए तस्वीरें कितनी खराब लगती हैं कि यही सुशील कुमार जो भारत का झंडा लेकर एक वक्त पर ओढ़कर जो निकलते थे, इनकी तस्वीरें आती थी टीवी पर, हम सभी देखते थे और बिल्कुल गर्व महसूस होता था, और कल जो ये तौलिया ओढ़कर जो चेहरे पर ढक कर छिपाते हुए जब बाहर निकल रहे थे, कितनी खराब तस्वीरें अपने आप में लगती हैं। ऐसा सोचिए एक युवा की एक गलती, और इसमें एक चीज समझ में नहीं आती काजोल की कोई भी हो, जब ये स्पोर्ट्समैन की बात होती है तो हम लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट्समैन ने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है अपने आप को काबू में रखने की, क्योंकि कोई ओलंपिक में जो खेला हुआ व्यक्ति हो, ओलंपिक जिस व्यक्ति ने खेला हो, विश्वास नहीं होता कि वो व्यक्ति इतना आपा खो सकता है, क्योंकि बिना इतना आपा खोने वाला व्यक्ति ओलंपिक में कैसे खेल सकता है, वहां तो प्रेशर ही अलग लेवल का होता है। और दूसरी बात और कि छत्तीसगढ़ का जो डीएम साहब है, जिनको भी कल ही हटाया गया है, उन डीएम साहब में और सुशील कुमार में, अभी बता दूं आपको, तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर जो जिम्मेदारियों का जो भार था उन दोनों ने ही अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा। एक तरफ सुशील कुमार थे, ओलंपिक मेडल जीते हुए व्यक्ति थे, बहुत बड़ा नाम थे, इनके ऊपर अलग जिम्मेदारी थी, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि एक बहुत बड़े वर्ग को मोटिवेट करके अपने साथ ले जाकर देश का नाम रोशन कर सकते थे, लेकिन इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया और कहीं ना कहीं अपना सब कुछ गंवा बैठे। वहीं दूसरी तरफ डीएम की और बात क्लियर कर देता हूं, डीएम साहब उनके ऊपर जिम्मेदारी थी जिला चलाने की, कुछ नहीं किया, एक थप्पड़ मार के आपा खो दिया, मॉक इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, एक थप्पड़ मारकर अपना कहाँ का कहाँ करा बैठे। बिल्कुल, और काविंद्र जिस तरह से अगर मैं कहूँ जिम्मेदारियां बहुत थी, लेकिन कहीं ना कहीं होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामयाबी नहीं संभाल पाते, कुछ लोगों में अहंकार आ जाता है। अगर विवादों का मैंने अभी जिक्र किया कुछ देर पहले ही, विवादों की अगर मैं बात करूँ, इन पर अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं अहंकार था हर किसी पर अपना रोब जमाना, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी आ रही है और इस केस से जुड़े कुछ भी ऐसे मुखबिर हैं या फिर जो परिजन है, जो सागर धनखड़ के परिजन है, वो ये कहते हैं कि ये रोब जमाते थे, छत्रा स्टेडियम में लगातार आते थे और कुछ जो युवा वहां पर सीख रहे होते तो उन पे अपना दबदबा करने की कोशिश करते थे, अपना कब्जा बहुत चीजों पे करने की कोशिश करते थे, तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट था। पॉजिटिव यही था कि इन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल हो, चाहे वो सिल्वर मेडल हो, ये जीतना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उस चीज को नहीं रख पाए, आप क्यों नहीं संभाल पाए ये खैर अलग विषय है, वो उनकी निजी जिंदगी है, वो किस तरह से उसे जी रहे हैं, लेकिन निजी आपकी जिंदगी तब निजी रहती है जब आप अखबारों की सुर्खियां नहीं होते, जब आप हेडलाइंस नहीं होते टीवी की, आप हेडलाइंस बने, आप अखबारों की सुर्खियां बने, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को संभाल नहीं पाए। आज आपकी सुर्खियां ये हैं कि आप पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया गया है कि आपने सागर धनखड़ की हत्या की है, आप उसमें पूरी तरह से शामिल हैं, ऐसे सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं, ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप पर ये आरोप लगा, आप सामने नहीं आए, आप भगौड़े बन गए, तो आप में और फिर नीरव मोदी में फर्क क्या रह जाता है? उन पर तो सिर्फ और सिर्फ घोटाले का आरोप था, आप पे सीधे सीधे मर्डर का आरोप लग रहा था, आप सामने आ सकते थे, आप बोल सकते थे, मीडिया से रूबरू हो सकते थे कि नहीं मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, इस पर जाँच होनी चाहिए। हमारे देश में बहुत अच्छे तरीके से जाँच एजेंसियाँ हैं जो करती हैं अपना काम, बखूबी निभाती हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। दूसरी बात ये है कि एक तो आप आए नहीं, दूसरा आपने पता नहीं किन किन लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है इस केस में, बहुत सारे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, जिस पर अभी अगर मैं बात करना शुरू करूं तो शायद बहुत समय हो जाएगा और इतना समय अभी हमारे पास नहीं है, थोड़ी सी कमी है समय की, इसलिए जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो हम लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको लोग देखते हैं, आपको लोग समझते हैं, तो जो भी आप कदम उठाते हैं सोचिए समझिए करने से पहले। सुशील कुमार एक नाम जिसने टेलीविजन के स्पेशल शोज में हिस्सा लिया, उन्हें एज अ गेस्ट बुलाया गया बड़े बड़े शोज में, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, क्रिकेटर आते हैं, आपको बुलाया गया, आपको इतनी रिस्पेक्ट दी गई, आपको युवाओं ने दिल से नमन किया, आपने जिस मिट्टी को छुआ उस मिट्टी को छू कर कुछ युवा आगे बढ़ना चाहते थे, आप जैसा बनना चाहते थे, लेकिन आज क्या आपको लगता है, ये सवाल सीधे सीधे सुशील कुमार से है कि आपकी देख आपको देखकर कोई आगे बढ़ेगा? जिस तरह से आपने कायरता दिखाई है, क्या एक खिलाड़ी में ये कायरता होनी चाहिए?
जी बिल्कुल सुशील कुमार के आपके सवालों के तो कम से कम जवाब जरूर देने चाहिए। इसके साथ ही आपने जो काजोल एक बात कही काफी अच्छी बात थी, आपने बताया कि युवाओं के सिर पर चढ़ जाती है, कभी कभी सक्सेस को पचा नहीं पाते, तो इसके लिए हमारे देश के युवाओं के पास तो सीधे सीधे तीन एग्जाम्पल हैं, उनको समझ लीजिए, देख लीजिए और खुद के खुद बैठकर घर में समझ जाएंगे आप। सबसे पहले सुशील कुमार ने आपने देखा कल तक जो व्यक्ति सुर्खियों में छाया रहता था अच्छे कारणों से, आज वो हर बुरे कारणों से सुर्खियों में है। इससे पहले ही आपने कपिल शर्मा को भी देखा होगा, इतना बढ़िया उनका सब कुछ चल रहा था, इतना बढ़िया शो चल रहा था, लेकिन बाद में ड्रग्स के चक्कर में फंसे और भी तमाम चीजों में फंसते चले गए और इसके बाद सब कुछ गंवा बैठे, हालांकि वो वापस लौटे और उन्होंने शानदार वापसी करी। इससे पहले हम बात करें हनी सिंह की, एक बहुत ही बड़े सिंगर रहे, एक बहुत बड़े रैप सिंगर रहे, देश में अच्छा नाम कमाया, लेकिन फिर बाद में विवादों में फंसते चले गए और अब उतना अच्छा नहीं कर पा रहे जितना वो शानदार कर सकते थे। तो ऐसे में ये समझ जाएंगे हमारे देश के युवा इन तीन चीजों को समझ के, इन तीन अलग अलग लोगों से जानकर सीख कर कि सक्सेस को पचाना कितना अहम है। सक्सेस को पचा पाना हर किसी के बस की बात तो नहीं, लेकिन सक्सेस को पचाना कितना जरूरी है। कभी भी अगर सक्सेस आपके सर पर चढ़ जाती है तो ये आपको सिर्फ आपके जो सक्सेस का जो ग्राफ है वो वहां से गिरने लगता है, क्योंकि ये धरती जो रही है एपीजे अब्दुल कलाम की रही है, जिन्होंने सिखाया है कि हम जितना ज्यादा सोवर होकर रहते हैं हम उतना ही ज्यादा सक्सेस में रहते हैं। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो विपक्ष में हो के सत्ता पक्ष में भी हो के भी दोनों तरफ रहे हमेशा, उन्होंने दोस्त बहुत कमाए, इसीलिए आज देश उन्हें आज भी याद करता है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो, उन्हें नमन करता है। ये बहुत दो बड़े एग्जाम्पल है एपीजे अब्दुल कलाम जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इसलिए सोचिए उगते सूरज को हर कोई नमन करता है, जब सूरज डूब रहा होता है तो लोग आंखें चुरा लेते हैं और मीठी शाम का इंतजार करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।